गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अणु कक्षक सिद्धांत लेक्चर 5, अब तक मैं अणु कक्षक सिद्धांत के चार वीडियो डाल चुका हूँ। तो चार वीडियो पहले आप पिछले वाली वीडियो जरूर देखी। अब हम इसमें अणु कक्षक ऊंचा स्तर आरेख बनाएंगे। तो ठीक है, उससे पहले मैं आपको 8 एग्जांपल करा चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है N2 अणु का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख। बनाइए गुणों को समझाइए। तो हमें कौन कौन से गुण बताने हैं? एक तो अनुचुंबकीय गुण, दूसरा हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीसरा बंध क्रम, चौथा है आणविक विन्यास। तो ये सब गुणों का पता लगाना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, हमें अणु का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। N2 को बनाना है तो नाइट्रोजन फर्स्ट S2 तो पहले सबसे पहले प्रत्येक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन का फर्स्ट S परमाणु कक्षक लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, इधर ये नाइट्रोजन हो गया, हमें बनाना है N2। ये हमारे पास फर्स्ट S, ये अभी हमारे पास कर लेगा फर्स्ट S। फर्स्ट S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों परमाणु कक्षक, दो गुण कक्षक बना लिए। ये हम पहले बता चुके हैं, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में किस तरह अणु कक्षक बनते हैं।
तो फर्स्ट एस फर्स्ट एस फर्स्ट एस करते हुए अपना और क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड इधर सिग्मा एंटी बॉन्ड, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे निम्न ऊर्जा की कक्षा में, फिर उच्च ऊर्जा की कक्षा में, दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो फर्स्ट एस स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, फिर हम बनाएंगे टू एस का, टू एस टू एस का अतिव्यापन होगा, टू एस और टू एस का अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये अनुपक्ष बन जाए, टू एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो सौ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन दो, इसमें भी दो, अब हमारे पास एक टू पी है, तीन तीन परमाणु कक्षक है तो अणु कक्षक कितने बन जाए, छह अणु कक्षक बन जाए, आधे बॉन्डिंग अणु कक्षक, आधे विपरीत बंधी अणु कक्षक, पीएक्स पीएक्स का अतिव्यापन हुआ तो पाई बॉन्डिंग बनेगा, पीवाई और पीवाई का अतिव्यापन हुआ पाई बॉन्डिंग, पीजेड जो हमने क्या माना है आरकी एक्स माना है तो पीजेड पीजेड का अतिव्यापन हुआ तो सिग्मा बॉन्डिंग टू पीजेड, इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, इधर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड, अब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले निम्न ऊर्जा के अणु कक्षक है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबसे पहले, तो इसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन,
अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको कितनी दिख रही है इसके अंदर, इन अणु कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं दिख रहा है, इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है युग्मित है। तो चुंबकीय गुण कौन से जाने, प्रतिचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। बंधग्रम आप देखें, बंधग्रम बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या दो, इधर दो चार छ आठ दस, दस माइनस विपरीत बंदी में दो चार माइनस चार बटे दो, तो बंधग्रम क्या आ जाएगा, बंद क्रम आ जाएगा तीन। आठवें विन्यास आप देख सकते हैं, सिग्मा बाउंडिंग फर्स्ट एस स्क्वायर, ये हमारा आणविक विन्यास हो जाएगा। इस तरह से हम आणविक ऊर्जा स्तर आरेख बना सकते हैं। N2 प्लस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, N2 प्लस आयन का ऊर्जा स्तर, आयन का आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख वे निम्न को समझाइए। पहला हम देखें चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण देखें दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या,
नेक्स्ट देखिए आर्मी कक्षक विन्यास, तो नाइट एन टू प्लस का देखिए हम, तो यहां पर देखिए एन एन प्लस एन टू प्लस का बना रही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए और एन प्लस का, एन प्लस का देखिए फर्स्ट एस टू टू एस टू और टू पी टू, क्योंकि इसमें ऊपर प्लस लग रहा है एन के ऊपर, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, पी थ्री में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो टू पी टू हो जाएगा। अब ये हमें परमाणु कक्षक प्राप्त हो जाएंगे, ये क्या है हमारे पास परमाणु कक्षक, तो देखिए यहां पर एन, यहां पर हम क्या करेंगे एन प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, तो इधर देखिए पहले हम इसका फर्स्ट एस, इस नाइट्रोजन का फर्स्ट एस और इसका फर्स्ट एस अति अपन कराएंगे, तो इस प्रकार के रूप से बन जाएंगे हमारे पास, फिर हम 2s का 2s से कराएंगे तो ये अणु कक्षक हमारे पास बन जाएंगे। अब हम करते हैं px 2py p2pz, आपको पता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, इसी तरह n प्लस के लिए देखिए n प्लस में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम px में एक इलेक्ट्रॉन py में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारे पास कक्षक कितने हैं, तो परमाणु कक्षक है एक दो तीन चार पांच छह, तो परमाणु कक्षक हमारे पास छह है, तो हम अणु कक्षक कितने बनाएंगे, छह अणु कक्षक बनेंगे, ये छह अणु कक्षक दिख रहे हैं। अब देखिए इसी तरह पी एक्स का पी एक्स अतिव्यापन होगा, तो पाई बॉन्डिंग पी एक्स, पाई बॉन्डिंग पी एक्स स्क्वायर पी, ये बनेगा पी वाई का पी वाई से होगा तो पाई बॉन्डिंग टू पी वाई, ये बन जाएगा। अब हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक में दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हम यहाँ पर भर देंगे, तो अब इसको आइटर इसको हम वन कर देंगे, एक कर दो या फिर पहले से एक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखिए चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण देखेंगे इसके अंदर, तो यहां पर इन अणु कक्षकों के अंदर हमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कितने एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण हो जाएगा अणु चुंबकीय, चुंबकीय गुण हो जाएगा अणु चुंबकीय, ठीक है। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, ये सब युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है हमारे पास, बंद ग्राम देखिए, बंद ग्राम निकालेंगे, बंद ग्राम यहां पर है, बंद क्रम बराबर है एन बी माइनस एन ए बटे टू, तो बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, एन बी बराबर है बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहां पर देखिए बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, ये दो, ये बंदी अणु कक्षक चार छ आठ और एक नौ। अब विपरीत बंदी में देखिए, विपरीत बंदी जो स्टार से व्यक्त करते हैं, इनमें दो दो चार चार इलेक्ट्रॉन है, तो बंद क्रम क्या हो जाएगा 2.5, या 5/2, ये इसका बंद क्रम हो जाएगा। अब हम
आणविक कक्षक विन्यास देखते हैं, तो आणविक कक्षक विन्यास में स्थिर है पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से हम आणविक कक्षक विन्यास देखते हैं। जहां जहां दो दो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन स्क्वायर कर देंगे, जहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन है वहां स्क्वायर कर देंगे, तो 2s स्क्वायर इसका आणविक कक्षक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है तो हमें N2 माइनस आयन का आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है और जो गुण है उनको समझाएंगे। पहला गुण आप देखिए, पहला हमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, दूसरा चुंबकीय गुण बताना है, तीसरा बंद क्रम, चौथा आणविक कक्षक विन्यास बताना है। तो हमें पहले ऊर्जा स्तर आरेख बनाएंगे इसका, ऊर्जा क्रम बढ़ते हुए क्रम। तो देखिए n प्लस n माइनस बराबर ये अभिक्रिया n टू माइनस, ठीक है, n का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, 2p3 की जगह क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा।
तुम यहाँ पर पहले फर्स्ट टेस्ट वाला दोनों का इसका फर्स्ट टेस्ट इसका फर्स्ट टेस्ट दोनों नाइट्रोजन के फर्स्ट टेस्ट से हम दो अणु कक्षक बनाएंगे। इधर देखिए फर्स्ट टेंस का तीर अपन होगा क्या बन जाएगा सिग्मा बन जाएगा इधर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट टेंस। हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चार इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले निम्न ऊर्जा के अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर उच्च ऊर्जा में भरेंगे। ठीक है फर्स्ट टेस्ट से दोनों कक्षक बन गए। अब हम लेंगे 2s इसका 2s और इसका 2s दोनों क्या क्या पंचक्रिया में सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2s इधर बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे फिर दो इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हमारे पास क्या बच गया 2p3 इधर एल माइनस में 2p4 इसके तीन परमाणु कक्षक है तो कुल अणु कक्षक बने छह परमाणु कक्षक है तो अणु कक्षक भी छह बन जाएंगे। अब px का इस px के साथ में अतिरेकन हो रहा है तो क्या बन रहा है पाई बॉन्डिंग 2px पाई बॉन्डिंग 2py इधर पी जेड से होगा सिग्मा बॉन्डिंग टू पी जेड ये आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है स्क्वायर कर देंगे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है स्क्वायर इसी तरह
अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, कुल इलेक्ट्रॉन 3, 4, 7। तो पहले इनको इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसके स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। तो इस तरह इसका ऊर्जा स्तर आरेख बन जाएगा। इस तरह हम ऊर्जा स्तर आरेख बना लेंगे। अब गुण देखते हैं हम इसके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 दिख रहा है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी आएगी, 1। चुंबकीय गुण देखिए, यहां पर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो मतलब चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय। बंद क्रम देखिए, बंदी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, बंदी अणु कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 4, 6, 8, 10। 10 माइनस विपरीत बंदी में 2, 4, 5। टू पॉइंट फाइव। और आणविक कक्षक विन्यास, ये हो गया इसका विन्यास। तो आगे के जोड़ों में उनका ऊर्जा स्तर आरेख हम कल बताएंगे।